कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, टॉपिक ये है। इसमें देख सकते हो तो तुम्हारी बिल्कुल फर्स्ट चीज है, दैट इज अ हार्ट। तो ये हार्ट जो है क्या है, बेसिकली यूजी में पढ़ा होगा आपने, वही हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेप्टम, राइट एंड लेफ्ट। तो एक ऑरिकल, राइट ऑरिकल हो गई, एक लेफ्ट हो गई, वैसे ही वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट हो गई। तो बेसिकली जो तुम्हारा है, ये ब्लड जो आती है वेना कैवा से, ठीक है, और उसके बाद ये जाती है राइट ऑरिकल को, जहां पर रहती है तुम्हारी पेसमेकर सेल्स, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, पेसमेकर सेल्स जो है वो एक्साइटेशन और जो सेल्स है उसको एक्साइट करती है और उसको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कराती है, ठीक है, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो पेसमेकर्स, यहाँ से ब्लड जो है तुम्हारी पूरी बॉडी से सिस्टमिक फ्लो, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्लड इसमें आएगी, फिर राइट ऑरिकल में जाने के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगी, ठीक है। वहां से फिर क्या होता है, ये चली जाती है अलग अलग वेना कैवा में, ठीक है, और स्पेशली जाती है ये वहां से पल्मोनरी सेमिलेनस वाल्व के थ्रू लंग्स में जाती है। लंग्स में जाकर फर्दर ये फिर अपने ब्लड के जो पोर्शन है उसको सारे को ऑक्सीजनेटेड कराती है, ठीक है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में एल्वेलर के पास ले जाकर वहां बॉर्डर पे उसको रिफाइन करती है ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लंग्स पे ले गई, वहां से फिर रिटर्न बैक आती है लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वहां से मिट्रल वाल्व के थ्रू ये जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर सेमिलर वाल्व के थ्रू ये चली जाती है दूसरे, मतलब बॉडी के सारे जो रिलेवेंट जगह हैं सारे जगह सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारी हो गई जो ब्लड सर्कुलेशन चलती है हार्ट में उसका। तो बेसिकली जो तुम्हारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मतलब वट एवर द ब्लड वेसल्स एंड द स्टडी ऑफ हार्ट कंबाइंडली वी कैन से दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, अब इसकी अगर जब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट में जब बात करें तो इससे रिगार्डिंग जितने भी डिजीज होती है वो सारी आ जाएगी क्लिनिकल फिजियोलॉजी के, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पार्ट में। तो बेसिकली जो है चार तरह के हार्ट डिजीज होते हैं, ठीक है, बेसिकली चार, जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ही हम कोरोनरी हार्ट डिजीज के भी नाम से जानते हैं। तो जनरली इट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज मायोकार्डियल परफ्यूजन दैट कॉजेस एंजीना, ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है उसी को हम लोग हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इट अकाउंट्स फॉर 1/3 to 1/2 ऑफ द केसेस ऑफ टोटल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मतलब ऐसे समझो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें, या समझो कि कहीं भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी की ही कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन है। जो दूसरी आती है तुम्हारी वो होती है सेरेब्रो वैस्कुलर डिजीज। तो ये सेरेब्रो वैस्कुलर डिजीज जो है ये स्पेशली मीन टू से इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है, इसी तरह की अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसके कारण अगर अचानक से या फिर थोड़ी सी डिले ब्लड की सर्कुलेशन चलती है तो उससे जो आयंस का डिफरेंस डेवलप होता है उससे एक शॉक होती है, ठीक है, तो वो जो शॉक आती है ब्लड पे दैट इज रिजल्ट
related with the cerebrovascular disease. Next बात कर लें peripheral artery disease की, ठीक है, एक coronary artery हो गई, एक cerebrovascular हो गई, next है peripheral artery. मतलब whatever the artery which are present in the peripheral of the animal's body. So particularly arterial disease, ये involving the limbs that may result in claudication. मतलब कहीं भी किसी रीजन से जो हमारे लिम्स में मतलब आर्टरीज गई है, अगर वो चोट लगने के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण या किसी भी रीजन से अगर ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से उसको हम जानते हैं. और जो नेक्स्ट और लास्ट है दैट इज एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है. तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इट इंक्लूड्स थोरैसिक एंड एब्डोमिनल एनिसोरम्स. मतलब जो भी किसी भी तरह की अगर डिफॉर्मिटी आती है थोरैसिक लेवल पे या एब्डोमिनल लेवल पे, दैट इज नोन एज एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है. तो ये बेसिकली देख लिए चार पार्ट में बटा, मतलब अगर इसको समराइज करें तो जो बिल्कुल हार्ट से रिगार्डिंग है, ठीक है, बेसिकली हार्ट में अगर किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, किसी तरह की इन्फेक्शन होती है, एंजिना होगी, तो दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. फिर उसके बाद अगर चले हार्ट से, हार्ट में या हार्ट के थोड़ा मतलब सराउंडिंग में, और अगर वहां पर किसी तरह की शॉक होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है कोलेस्ट्रॉल से रिगार्डिंग हो या फिर किसी चीज से, ठीक है, दैट इज द कंडीशन नोन एज सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज. पेरिफेरल कंडीशन में हार्ट से बहुत दूर एनिमल बॉडी के किसी भी लिम्ब पार्ट में या फिर आउटर पार्ट में अगर किसी तरह की क्लॉडिकेशन होती है या फिर ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कंटिन्यू फ्लो नहीं कर पाता है, दैट इज अ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज. और लास्ट हो गई एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस. मतलब जो भी थोरेसिक या एब्डोमिनल, मतलब जो विसरल पार्ट में जो तुम्हारी गई ब्लड, उसमें अगर किसी तरह से डिफॉर्मिटी आती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, दैट इज अ, मतलब एओर्टा से सिंपल है, एओर्टा से जो ब्लड निकला अगर वहां कहीं दिक्कत है तो दैट इज एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस. अब ये देख सकते हो ये बिल्कुल जो पिक्चर है ये क्लियर कर रहा है, हार्ट से जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है. तो ये जो ब्लड है ये कहाँ से आ रही है, ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, ठीक है. SVC होगी तुम्हारी सुपीरियर वेना कैवा, ये होगी इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, ये एओर्टा होगी. तो रेड वाली जितनी है ये प्योर ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो पल्मोनरी कैपिलरीज से मतलब लंग्स से जो भी ब्लड रिफाइन होके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड होके आ रही है, वो एओर्टा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिस्टमिक पार्ट में, मतलब सिस्टमिक या मतलब जो भी सर्कुलेशन का हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन का हो, कोरोनरी सर्कुलेशन कह लो, ठीक है, वो सारे में ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो ये पहले गई आर्टरीज के थ्रू, फिर आर्टरीज से फर्दर सब डिवाइड हुई आर्टेरियोल्स में छोटे छोटे पार्ट्स होके पूरे बॉडी ऑर्गन में जानी है, ठीक है. तो उसके लिए फिर फर्दर जाती है सिस्टमिक कैपिलरीज में, मतलब स्पेसिफिकली किसी ऑर्गन में जाके मिली, वहां इसने अपना काम किया, मतलब ऑक्सीजनेटेड किया ब्लड को, ऑर्गन को जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ब्लड, जो ब्लड का फंक्शन है, ठीक है, जो रेगुलेशन करता है, वो सारी चीज वहां कैरी आउट करके फिर वहां से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको कैरी आउट किया, ठीक है, सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू और वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये वेन्स जो है फर्दर सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू वापस हार्ट में आते हैं, फिर ये हार्ट से वापस चली गई लंग्स में, लंग्स में जहाँ आर्टरियोल्स के थ्रू तुम्हारी उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एल्वियोलस पे ये फिर वापस रिफाइन होके फिर से वापस हार्ट पे आती है, ठीक है. तो ये चैनल जो है ये कंप्लीट चलती रहती है. तो अब यही समझो कि इस चैनल में कहीं भी एओर्टा में हो, आर्टरीज में हो, आर्टरियोल्स में हो या सिस्टमिक कैपिलरीज में हो, ठीक है,
कहीं भी अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो वो ऑर्गन जो है स्पेसिफिकली काम नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण जो कंडीशन होती है दैट इज अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हम लोग कहते हैं इसको सीवीडीवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, मतलब डिजीज क्या है ये एक तरह का कंडीशन है। ठीक है, जो सबसे स्पेशल जो अभी चार बताया था उसी से थोड़ा सा और उसको एनलार्ज किया, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन में, अगर कोरोनरी सर्कुलेशन में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है तो दैट इज रिलेटेड विद द कोरोनरी हार्ट डिजीज। फिर वही सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, किसी टाइप का शॉक सेप्टिमिया होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, दैट इज सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज। फिर वैसे ही पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो गई, मतलब किसी भी मतलब हार्ट से दूर बाहर कहीं अगर किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन हो रही है तो दैट इज पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। लाइकवाइज सेम द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, मतलब किसी कारण से अगर ये शो कर रहा है रूमेटिज्म, मतलब आर्थराइटिस से रिगार्डिंग, अगर ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करेगा तो दैट विल रिफ्लेक्ट टू द डिसफंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो रूमेटिज्म जब पैदा करती है दैट इज रिलेटेड विद द रूमेटिक हार्ट डिजीज। वैसे ही कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तुम्हारी लंग से रिगार्डिंग हो गई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई, मतलब किसी भी तरह की अगर ब्लड सेल्स जो है वो वेन्स में सही से सर्कुलेट नहीं कर रही है, काम ना कर रही है, जिसके कारण फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली इसमें होती क्या है, तो जो हम लोग प्रायः कहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है दैट इज हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक भी इसको हम उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब है कि अगर किसी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुई तो सबसे पहले उसकी इफेक्ट होगी एज अ हार्ट अटैक, इन द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अब ये है कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, से इफ एन एनिमल इज हैविंग हार्ट अटैक देन व्हाट द चेंजेस और द सिम्टम्स विल रिव्यू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी द पेन और डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, मतलब उसके जो चेस्ट रीजन पर है वहां थोरेसिक रीजन पे पेन होगी उसे, या फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा। लाइकवाइज वैसे ही वो आर्म्स में, शोल्डर में, एल्बोज में, जॉ और बैक, मतलब फ्रंट साइड में है या फिर बैक साइड में, ठीक है, फ्रंट लिम में हुआ या फिर रियर लिम में हुआ, तो उससे भी ये इफेक्टिव होगा। फिर सबसे उसके बाद बेसिकली ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में परेशानी होगी, डिस्पनिया होगी। ठीक है, फिर जब डिस्पनिया होगी और सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं नर्व्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, और स्टमक में भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण द एनिमल मे फील द कंडीशन ऑफ नॉजिया और वॉमिटिंग। इसके बाद कह सकते हैं लाइट हेड, ठीक है, लाइट हेडेडनेस, मतलब हल्की सिर में दर्द या फिर चक्कर टाइप का भी एनिमल फील कराएगा। एलोर हो गई, वही कंडीशन हो गई ऑफ पेन और कोल्ड स्वेट, मतलब स्वेटिंग होगी एनिमल को, लेकिन जो उसके एक्सट्रीमिटीज होंगे वो काफी ठंडी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आएंगी इसमें। और ब्लड विस्कोसिटी की बात करेंगे तो इट विल लीड टू इंक्रीज कैपिलरी डेंसिटी। ठीक है, कैपिलरी डेंसिटी जो है उसको इंक्रीज करेगा, तो कैपिलरी डेंसिटी जितनी इंक्रीज होगी, मतलब बॉडी के हर ऑर्गन्स के हर एक पार्ट पे ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूस जाएगी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक हर सेल्स में और टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगी
तब तक वहां ट्रांसफर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हो गया इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, मतलब सेल्स में अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, तो अगर वो बढ़ रही है इसका मतलब है कि उसकी जो बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है, वो बढ़िया होगा। और दूसरा है अगर सिस्टमिक इन्फ्लामेशन, मतलब बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में सिस्टमिक पार्ट्स में अगर किसी टाइप की इन्फ्लामेशन नहीं है या कम है तो इट विल लीड टू इम्प्रूव्ड देयर स्लीप एंड और कह सकते हैं उसको मतलब सोने में या फिर रेस्टिंग पोजीशन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब दूसरी बात करें अगर रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग मतलब अगर इसको ले हाइपरटेंशन तो ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन अगर कम करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जो है, या डिप्रेशन करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें तो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, या फिर डायबिटीज की बात करें तो इट विल लीड्स टू ब्रेस्ट, कोलोन और अदर कैंसर्स। तो ये सारी चीजें अगर हम ये सारी चीजें कम करें ना, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज की कंडीशन को अगर कम कर सके तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसका ये पार्ट है। अब देखते हैं कि अगर एनिमल को हम एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है, तो उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगी। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी, मतलब जो बेनिफिट्स होगी हमें एक्सरसाइज की, ठीक है, हार्ट फेल्योर पे, वो है कि जैसे हम एक्सरसाइज कैपेसिटी को इंक्रीज कराते हैं तो ये और इंक्रीज होगी, मतलब जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं एनिमल की एक्सरसाइज के तो उसकी वो लिमिट जो है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद हार्ट रेट का जो रेस्पॉन्स है वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत कम हो जाएगा। स्केलेटल मसल का जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, मतलब मूवमेंट अच्छी आएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरे लोकोमोटिव सिस्टम में होगी, ठीक है, तो जो हमारे वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। लाइकवाइज इम्प्रूव्ड एंडोथेलियल फंक्शन, जो भी एंडोथेलियल फंक्शन से जितने भी सेल्स के या टिश्यूज के जो है कहीं ना कहीं वो भी इम्प्रूव करेगी, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की जो फंक्शन है वो भी इन्हांस करेगी, ठीक, मतलब जो एनिमल जो है वो बढ़िया से समझ सकता है, अपने ऑनर की बात को समझ सकता है, सुन सकता है, उसको कंटिन्यू वैसे ही कर सकता है। फिर वैसे ही अगर हम बात करें तो इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, मतलब मसल की स्ट्रेंथ जितनी एक्सरसाइज कराएंगे उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्टेमिना बढ़ेगी, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उसकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। लाइकवाइज फिर इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब सारी चीजें ठीक रहेगी, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, तो हेल्थ जो है बॉडी की एनिमल की वो ठीक रहेगी और क्वालिटी लाइफ जी सकता है, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी डिजीज के रह सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी नहीं होगा, कोई वेटनरी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, एनिमल मस्त रहेगा अपना, ठीक है, खाएगा पिएगा ऑनर के साथ अच्छे से रहेगा, क्लियर। लाइकवाइज रिड्यूस्ड ऑल काउज मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ के चांसेस जो है नॉर्मली वो नहीं रहेंगी, वो सर्वाइव करेगा फॉर लॉन्गर टर्म के लिए, ठीक है, ये चीजें होंगी। अब अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम कैटेकोलामाइन क्या है, कैटेकोलामाइन मतलब जो हार्मोन्स हमारे स्पेशली जो स्टेरॉइड्स हैं, विच इज वेरी मच नीडफुल, ठीक है, फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्शन कह सकते हो या प्रोडक्शन कहते हो, ठीक है, इस वर्क के लिए, एफिशिएंसी के लिए ये बहुत जरूरी है, तो इसकी लेवल इंक्रीज करेगी, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी,
मतलब जितना काम करेगा उतना बढ़ेगा और फर्दर वो बढ़ते ही जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। देख सकते हो कि प्री लोड और इंक्रीज आफ्टर लोड, मतलब कोई भी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उसकी। ट्रोपोनिन से रिगार्डिंग, या फिर सी के ये क्रिएटिन काइनेज बोलते हैं, MB जो आइसो एंजाइम से, ठीक है, तो ये बढ़ जाएंगी इनकी। BNP तुम्हारी ब्रेन की नेटवर्टिक पेप्टाइड है, ये बढ़ेगी। इससे क्या होगा, ब्रेन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, तुम्हारी एक्सक्रेटरी सिस्टम और कह सकते हो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इसके इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होगी, हार्ट को, तुम्हारे जो राइट हार्ट स्ट्रेन है, राइट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल डायलिटेशन है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की हाइपोकाइनेसिस है या डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, ये सारी चीजें ठीक होंगी, ठीक है, इसकी इफेक्ट पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से सब एक्यूट इफेक्ट्स की बात करें तो कार्डियक फाइब्रोसिस जो होती है उसकी चांसेस कम हो जाएगी, फाइब्रोसिस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना कोलेस्ट्रॉल जमने वाला है, ना लिपिड्स कहीं आने वाला है, ना ब्लड वेसल्स में, ना हार्ट में, तो ये काफी इफेक्टिव होगी। लाइकवाइज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें तो कार्डिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इट कैन बी एक्यूमुलेट इन द हार्ट, एंड एट द सेम टाइम ज्यादा ब्लड आ रही है इसकी, मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन आ रही है, मतलब ज्यादा ATPs और एनर्जी बॉडी के हर एक टिश्यूज को मिलने जा रही है। पैची एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस, मतलब फाइब्रोसिस की जो जहां जहां चांसेस है, ठीक है, उसको वो खत्म करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी पैची एरियाज। एट्रियल अरिथमेसिस ये भी इंक्रीज होगी, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, फिर इंक्रीजेस ऑफ SAD, मतलब सडन कार्डियक डेथ की जो चांसेस है ये सब कम करेगा, ठीक है, ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ये सब कम होते जाएगी। क्रोनिक ट्रेनिंग की अगर बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी, ठीक है, और इसकी जो मास है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मास है, मास ना बढ़ेगी, एरिया जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है मिलाकर अगर मतलब समरी जो इसकी कंक्लूजन जो है ये यही निकलती है कि अगर कोई एनिमल बहुत ज्यादा और अच्छा एक्सरसाइज करता है, लॉन्ग टर्म में चलता है, तो उसकी ना सिर्फ हार्मोनिक हार्मोनल या एंजाइमेटिक एक्शन, बल्कि उसकी मेटाबॉलिज्म और इनफैक्ट कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर जितने भी हार्ट या ब्लड वेसल्स आती है वो भी काफी मजबूत होगी, काफी इफेक्टिव होगी लॉन्ग टर्म में, और काफी मतलब फंक्शनल रहेगी, ठीक है। किसी भी तरह की जो डायस्टोलिक या फिर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है वो दूर रहेगी, किसी तरह की कोई एरिथमियाज नहीं होंगे, जो हार्ट बीट या फिर मर्मर साउंड्स आते हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मिला जुला कर एनिमल काफी स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रेंथनिंग होगा, और फर्दर एक्शन जो होगा वो काफी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये मिला जुला कर